हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, राइट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया, देखो। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 0.2 मीटर इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1/π Tesla इन सच अ वे दैट इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 60° विद द मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द डिस्क इज ओके। तो अभी देखो यहाँ पर क्या दिया है, आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है मान लो, एंड एक सर्कुलर डिस्क है। अभी वो सर्कुलर डिस्क का जो एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60°। मतलब ये मान लो सर्कुलर डिस्क है, उसका एरिया परपेंडिकुलर ऐसे आएगा, तो ये एंगल कितना दिया है उसने, 60° दिया है। तो आपके पास रेडियस है, मतलब आप लोग एरिया निकाल सकते हो, दैट इज π r² बाद में थीटा दिया आपको 60°, बाद में बी दिया आपको 1/π Tesla। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, BA cos θ, वो एक्चुअल में NBA cos θ होता है, हालांकि नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे दिया नहीं है। तो बी कितना है आपके पास, 1/π है, एरिया क्या होगा, π r² आर कितना है 0.2, मतलब 2 × 10⁻¹ का स्क्वेयर, एंड ये क्या है cos 60 1/2, π कैंसिल हुआ, ये आएगा 4 × 10⁻²⁰ × 1/2 विच इज इक्वल टू 2 × 10⁻²⁰ विच इज इक्वल टू 0.02 वेबर। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, राइट। बेसिक क्वेश्चन है बेस्ड अपॉन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये जो क्वेश्चन दिया देखो, ऐसे लगभग आपको 3-4 क्वेश्चन मिलने वाले सेम क्वेश्चन। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर चेंजेस बाय अमाउंट डेल्टा थीटा इन टाइम डेल्टा टी, देन द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू दैट पासिस एनी पॉइंट इन द सर्किट इज इन डेल्टा टाइम टी इज ओके। देखो अभी सारे फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसी क्वेश्चन के अंदर। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMF क्या होता है, d∅dt, राइट। वो माइनस d∅dt होता है, मैं मान लो ये मॉड लिया मैंने। बाद में जो करंट आता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट क्या है EMF बाय रेजिस्टेंस, मतलब आएगा 1/r d∅dt, राइट। उसके बाद हमें पता है कि करंट होता है dq/dt, तो dq/dt इज इक्वल टू 1/r d∅dt आएगा। तो ये dt कैंसिल होगा, तो यहाँ से dq का आपको वैल्यू क्या मिलेगा, 1/r d∅ मिलेगा। तो देखो आपको ये तीन फार्मूला याद रखना है, E is equal to d∅/dt, I is equal to 1/r d∅/dt, dq is equal to 1/r d∅। इसमें करंट एंड EMF टाइम के ऊपर डिपेंड है, बट चार्ज टाइम के ऊपर डिपेंड है क्या, नहीं है, राइट। और वो माइनस साइन भी आने वाला है, उतना याद रखो। तो q is equal to d∅/r, मतलब ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इनिशियली प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन टाइम डेल्टा टी इट बिकम्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब थीटा चेंज हो रहा है। द देन चार्ज फ्लोज इन डेल्टा टी इज डिपेंड्स ऑन, चार्ज फ्लोज इन डेल्टा टी डिपेंड्स ऑन दिस टाइम एज, हमें पता है चार्ज तो टाइम के ऊपर डिपेंड होता ही नहीं है, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, राइट। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल इज φ is equal to 50 t² + 4। द करंट पूछा है आपको, दिया क्या है देखो, फ्लक्स क्या होता है 50 t² + 4 दिया है। आप लोग फ्लक्स से EMF निकाल सकते हो, क्या होता है EMF d∅/dt, राइट। चाहिए तो माइनस साइन लगा सकते हो, तो ये 50 कॉन्स्टेंट आ गया, टी स्क्वेयर का डेरेटिव 2t प्लस 4 का डेरेटिव 0, मतलब ये क्या आएगा 100 t, एंड जो करंट है करंट क्या आ जाएगा E/R, तो ये होगा 100 t/r कितना है 400 है, मतलब ये आ जाएगा t/4, एंड बोला है कि करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, मतलब 2/4 विच इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, समझे। चल मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है देखो, कि इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम द इंड्यूस करंट ओके, ग्राफ दिया है रेजिस्टेंस 10 ओम, करंट इंड्यूस डेवलप्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट इज शोन इन द फिगर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल, आपको क्या पूछा गया है चेंज इन फ्लक्स कितना आएगा।
पहले जो ग्राफ दिया है वो देखो, ग्राफ से क्या क्या समझ में आता है। देखो ग्राफ है तो दो ही क्वेश्चन पॉसिबल है, एक तो उसका स्लोप निकालो नहीं तो एरिया निकालो। अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूँ तो करंट बाय टाइम आएगा, वाई अपॉन एक्स है ना, करंट अपॉन टाइम, ऐसा कोई फार्मूला होता है क्या? नहीं, तो स्लोप कुछ नहीं देगा। एरिया देखो करंट इंटू टाइम के फॉर्म में आएगा, करंट इंटू टाइम मतलब कौन होता है? चार्ज होता है, हमें पता है ना कि चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम है। तो अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकालता हूँ तो इस ग्राफ का एरिया मुझे क्या देगा? चार्ज देगा। तो चार्ज इज इक्वल टू क्या है? एरिया ऑफ आई टी कर्व। तो इसका एरिया ट्रायंगल है, मतलब हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये आ जाएगा 0.2 कूलम, राइट। ये आपको क्या मिला? चार्ज मिला, ओके। उसके बाद देखो फ्लक्स पूछा है। अच्छा अभी चार्ज एंड फ्लक्स का क्या रिलेशन है? तो वी नो दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई आर, ऐसे ही ना फार्मूला है ना, यही फार्मूला है क्या? एक मिनट, मैं भी फार्मूला भूल गया रे। आई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, बाद में आई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी आर, हाँ सही है सही है सही है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या है? डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई आर, मतलब डेल्टा फाई का वैल्यू क्या है आपके पास? आर इंटू डेल्टा क्यू है। तो आर तो आपको दिया है 10, Q दिया 0.2, 0.2 into 10 is 2, 2 Weber, option A is a correct one, समझे? चलो moving toward the next question, क्या दिया देखो, अभी ये question based upon Lenz law ही है, Faraday's law, Lenz law का combination है, an electron moves on a straight path XY as shown, the ABCD is a coil adjacent to the path of the electron, what will be the direction of current if any induced in the coil? तो एक इलेक्ट्रॉन x टू y जा रहा है एंड जो कॉइल है ए बी सी डी उसके अंदर करंट इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा इसने पूछा है। होगा तो किस कौन से डायरेक्शन में होगा? ए बी सी डी होगा या ए डी सी बी होगा? तो देखो जब इलेक्ट्रॉन x टू y जा रहा है, बीच में एक पॉइंट लेता हूँ मैं, ये z लेता हूँ पॉइंट, मान लो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर z पॉइंट है। तो जब इलेक्ट्रॉन x टू z जा रहा है तो क्या हो रहा है? ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपना मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? करंट। ये तो अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जब वो x टू z जा रहा है द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद अ कॉइल इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसके अंदर करंट आएगा। बाद में जब z टू y जा रहा है, दूर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल क्या होगा? डिक्रीज होगा, राइट। मतलब पहले मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, बाद में डिक्रीज हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। एक बार चेंज पॉजिटिव है, एक बार चेंज नेगेटिव है, मतलब एक बार ईएमएफ पॉजिटिव आएगा, एक बार नेगेटिव आएगा, मतलब एक बार करंट का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो बाद में एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब क्या होगा? रिवर्स होगा, राइट। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, दैट इज द करंट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास द कॉइल। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, an 800 turn coil of effective area 0.05 meter square is kept perpendicular to magnetic field 5 into 10 to the power minus 5 tesla. The plane of the coil is rotated by 90 degree around any of its coplanar axis in 0.1 second. Find EMF induced. अभी देखो NEET 2019 recently question पूछा है ये वाला। अगेन E इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अभी उसने देखो नंबर, अच्छा ये फाई का फॉर्मूला क्या होता है? देखो फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ऑफ थीटा। अभी उसने नंबर ऑफ टर्न्स तो फिक्स रखे हैं, बी भी फिक्स है, ए भी फिक्स है, क्या चेंज कर रहा है? सिर्फ थीटा चेंज कर रहा है। तो आई कैन राइट हेयर एन बी ए को हम लोगों ने कॉन्स्टेंट निकाला, कॉस ऑफ थीटा टू माइनस कॉस ऑफ थीटा वन डिवाइडेड बाय टाइम। तो n कितना है आपके पास? 800। b कितना है आपके पास? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। एरिया कितना है? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। टाइम को भी यहीं पर लिखता हूँ, टाइम कितना दिया? 0.1 मतलब 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू कॉस थीटा 2। अभी देखो पहले क्या बोला है कि इसके पर 800 टर्न कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया 0.05 इसके परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके परपेंडिकुलर में हम लोगों ने कॉइल रखा है। तो मतलब एंगल कितना आएगा? पहला एंगल 0 डिग्री, तो इनिशियल एंगल कितना है? 0 डिग्री। बाद में इट इज़ रोटेटेड बाय 90 डिग्री, मतलब फाइनल एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पर? 90 डिग्री हो जाएगा, राइट, ओके। तो ये क्या होगा? देखो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 8 कितना? 200।
तो ये 200 और ये 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 माइनस 2 प्लस 1 कॉस 90 0 कॉस 0 1 तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6 इंटू माइनस 1 मतलब ये 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 राइट तो ये क्या आ जाएगा 0.02 तो 0.02 ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। तो माइनस का टेंशन मत लेना क्योंकि अपना मेन जो फार्मूला ई उसी में माइनस डी फाई बाई डी टी है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीएमटी 2009 का क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर स्क्वेयर रेक्टेंगुलर स्क्वेयर सर्कुलर एंड इलेप्टिकल लूप, चार लूप है आपके पास, आर मूविंग आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी आई। तो देखो आपके पास एक क्या है वेलोसिटी दिया है इधर, द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलॉन्ग द नेगेटिव जेड एक्सिस मतलब अंदर की तरफ क्या है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर ऐसे, द इंड्यूस ईएमएफ ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ दिस लूप कम आउट ऑफ द फील्ड रीजन विल नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर। ओके तो क्या बोला है देखो हमारे पास चार लूप है, चार लूप कौन से है तो सबसे पहले है रेक्टेंगुलर लूप, उसके बाद आपको दिया है स्क्वेयर लूप राइट, बाद में आपको दिया है कौन सा है सर्कल है तो थर्ड वन इज अ सर्कुलर लूप एंड फोर्थ वन इज अ इलिप्स दिया है सही है। तो ऐसे चार लूप है, अभी देखो उसने बोला है कि चारों केस में इंड्यूस ईएमएफ कैसा आएगा कांस्टेंट आएगा वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट केस में जब ये अभी यहाँ पर बी तो कांस्टेंट है, ऑल द लूप्स आर मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी वी, अभी जैसे ये लूप राइट साइड जाएगा तो क्या चेंज होने वाला है इफेक्टिव एरिया चेंज होने वाला है क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ कब आता है जब फ्लक्स चेंज होता है एंड फ्लक्स इज इक्वल टू क्या एन बी ए कॉस थीटा है, अभी यहाँ पर एन कांस्टेंट है बी कांस्टेंट है थीटा कांस्टेंट है बचा कौन इफेक्टिव एरिया, तो एरिया अगर कांस्टेंट है तो फाई कांस्टेंट होगा ईएमएफ नहीं आएगा, बट द जैसे कॉइल अंदर जा रहा है इफेक्टिव एरिया चेंज हो रहा है, अभी इफेक्टिव एरिया जो चेंज है वो हमें देखना है कैसा होगा। रेक्टेंगुलर के केस में देखो वो जो चेंज इन एरिया होगा वो चेंज इन एरिया क्या होगा कांस्टेंट होगा राइट, एरिया चेंज हो रहा है बट वो कैसा है सेम एरिया चेंज हो रहा है मतलब फ्लक्स आएगा तो ईएमएफ आएगा। सेकंड केस में स्क्वायर के केस में भी सेम एरिया चेंज हो रहा है बट अगर तुम लोग सर्कल देखोगे तो देखो पहले इतना ही पार्ट गया बाद में ज़्यादा पार्ट गया बाद में ज़्यादा पार्ट गया बाद में कम पार्ट गया बाद में कम पार्ट गया, इलिप्स के केस में कम पार्ट गया बाद में ज़्यादा गया बाद में ज़्यादा गया बाद में कम गया राइट। तो जो एरिया लिंक विद अ कॉइल है उसका जो रेट है चेंज होने का सर्कल एंड इलिप्स के केस में अलग अलग है बट स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के केस में सेम है, तो द इंड्यूस ईएमएफ ड्यूरिंग पैसेज ऑफ दिस लिस्ट कम आउट ऑफ द फील्ड रीजन विल नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर, किसके लिए कॉन्स्टेंट नहीं है सर्कुलर एंड इलिप्टिकल लूप के लिए राइट। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.04 टेस्ला विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, द रेडियस ऑफ द लूप श्रिंकिंग एट 2 मिलीमीटर पर सेकेंड द इंड्यूस ईएमएफ व्हेन द रेडियस 2 सेंटीमीटर इज। ओके ये ऐसे तीन या चार क्वेश्चन पूछे गए, देखो लगभग सेम है, पीएमटी 2009 का है, बी इज इक्वल टू 0.04 टेस्ला दिया गया, प्लेन परपेंडिकुलर मतलब थीटा तो कितना है 90 डिग्री राइट, द रेडियस ऑफ द लूप इज श्रिंकिंग एट 2 मिलीमीटर मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर पर सेकंड है, तो ये dr by dt दिया याद रखना, एंड बाद में फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ एट 2 सेंटीमीटर मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। तो यहाँ पर b कांस्टेंट है थीटा कांस्टेंट है नंबर ऑफ टर्न्स तो नहीं है, चेंज क्या हो रहा है एरिया श्रिंक हो रहा है रेडियस मतलब एरिया घट रहा है, यहाँ पर एरिया चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा एंड ईएमएफ भी चेंज होगा, तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है देखो डी फाइव बाई डी टी, तो डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस थीटा, अभी कॉस थीटा को लेता ही नहीं हूँ मैं यहाँ पर कॉस जीरो क्या आएगा वन, बी कॉन्स्टेंट है तो अंदर आ गया ये बाहर आ गया, ये डी बाई डी टी ऑफ एरिया कितना है पाई आर स्क्वेयर है, अभी देखो पाई बी कॉन्स्टेंट है तो बी पाई बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वेयर विथ रिस्पेक्ट टू टी, अभी आर का वैल्यू यहाँ पर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है
तो ये आर का डेरिवेटिव क्या आएगा, टू आर डी आर बाई डी टी आएगा, राइट। ये डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी है। तो देखो बी का वैल्यू दिया है आपको 4 × 10⁻², पाई तो पाई है, इंटू टू इंटू आर कितना दिया है 2 × 10⁻², एंड डी आर बाई डी टी कितना दिया है 2 × 10⁻³। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो देखो 4 × 2 8 × 2 16 × 2 32 32 × 10⁻²−2 − 2 − 3 − 7, मतलब ये आएगा 3.2 × 10⁻⁶, माइनस सिक्स मतलब माइक्रो, तो 3.2 μ, मतलब ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 10 पीएमटी 2010 का, इसके पहले क्वेश्चन 2009 का सेम क्वेश्चन है, देखो सिर्फ डेटा चेंज किया है, राइट। देख लेना क्वेश्चन, अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी 0.025 टेस्ला विथ प्लेन परपेंडिकुलर मतलब थीटा जीरो, द रेडियस ऑफ द लूप इज मेड टू श्रिंक एट अ रेट 1 mm/s, द इंड्यूस ईएमएफ व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 2 cm इज, राइट। सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा डेटा चेंज किया, कंसेप्ट तो वही है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखो अभी ये सेम कंसेप्ट आ गया, देखो नीट 2016 में 6 साल बाद सेम पूछा है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम वगैरह बनाया है कि जनरली नीट वाले बच्चे इसको स्कीप ही कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चन को डर लगता है थोड़ा सा, बट कंसेप्ट वही है, सारा डेफिनेशन वही है। देखो क्या दिया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्ट्रिक्टेड विद इन अ रीजन ऑफ रेडियस आर, तो जो छोटा आर है उसके अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजेस विद अ टाइम एट अ रेट dB/dt, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है यहाँ पर, इसके पहले रेडियस चेंज हो रहा था। लूप वन ऑफ रेडियस आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो ये है आपका लूप वन, एनक्लोज द रीजन आर, एंड लूप टू ऑफ रेडियस आर इज आउटसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट, देन द ईएमएफ जनरेटेड इज, तो ईएमएफ कितना जनरेट होगा। तो एक तो सबसे पहले देखो EMF कहाँ पे आता है, EMF होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो पहले तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होना चाहिए ना, तभी तो चेंज होगा। अब ये जो लूप टू है देखो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है क्या कोई, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, तो EMF भी कितना आएगा, जीरो आएगा, मतलब लूप टू के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो, तो EMF भी कितना, जीरो, तो लूप टू के लिए जीरो आ गया। अभी लूप वन के लिए देखते हैं, तो देखो E का फॉर्मूला क्या होता है, d∅/dt, तो d∅/dt ऑफ BA, राइट। अभी चलो मैं एरिया तो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये क्या बचेगा dB/dt। अभी यहाँ पर एरिया कौन सा, कौन से एरिया के साथ मैग्नेटिक फील्ड लिंक है, तो वो है पाई आर स्क्वायर, छोटा आर स्क्वायर उतने ही एरिया में बी है ना, तो पाई आर स्क्वायर dB/dt आएगा। तो देखो E इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर dB/dt इज द EMF इंड्यूस्ड इन कॉइल नंबर वन, तो dB/dt पाई छोटा आर स्क्वायर, ये माइनस तो आने वाला है, ये ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, है ना, कितना इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अ वायर इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इज, अभी ये एसी जनरेटर का क्वेश्चन है, देखो या इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, या तुम लोग कॉस ओमेगा टी भी लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर सेम मिलेगा हमें, राइट। ये साइन मिलेगा या कॉस मिलेगा वो डिपेंड करता है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या ले रहे हैं, साइन ले रहे हैं या कॉस ले रहे हैं, वहाँ पे कॉस लिया तो यहाँ पे साइन आएगा, वहाँ पे साइन लिया तो यहाँ पर कॉस आएगा। तो अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो देखो ग्राफ आएगा कुछ ऐसे, राइट। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बोला है एक साइकिल के अंदर, तो देखो यहाँ पर एक साइकिल आपका कंप्लीट हो गया, राइट। थोड़ा कॉस से एक्सप्लेन करूँ क्या मैं, कॉस से इजी जाएगा एक साइकिल के लिए, चलो कॉस से एक्सप्लेन करो, इससे भी कर सकते कोई दिक्कत, चलो दोनों से एक्सप्लेन करता हूँ मैं, इससे क्या दिक्कत है, थोड़ा टाइम बाद समझ में आएगा। देखो हाँ अभी क्या है कि एक साइकिल में देखो ये कब पोलैरिटी चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर इसने एक पोलैरिटी चेंज किया, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, एंड यहाँ पर एक पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है ये साइकिल के अंदर, राइट।
इसके बाद तो ये तो नेक्स्ट साइकिल है, मतलब एक साइकिल के अंदर ये दो बार अपना पोलैरिटी चेंज कर रहा है। थोड़ा अगर आप लोग कॉस का ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो कॉस का ग्राफ ऐसा आएगा, देखो। हाँ, ये आपका एक साइकिल होगा, तो इससे थोड़ा इजीली क्लियर होगा। तो देखो यहाँ पर इसने अपना पोलैरिटी चेंज किया और यहाँ पर एक साइकिल के अंदर पोलैरिटी चेंज किया, मतलब दो बार पोलैरिटी चेंज कर रहा है। तो ट्वाइस पर रिवोल्यूशन ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट, है ना, इजी। 2013 का क्वेश्चन है, देखो अगेन, देखो इजी क्वेश्चन, ग्राफ वाला क्वेश्चन दिया, फैराडेज फर्स्ट लॉ का, सेकेंड लॉ का, द करंट इन अ कॉइल वेरीज विद टाइम एज शोन। तो करंट वर्सेस टाइम आपको ग्राफ दिया है, बोला है द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ विद टाइम इज। तो इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट का इन कॉइल का रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, एक्चुअल में E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। यहाँ पर माइनस लेके सॉल्व करेंगे तभी आंसर मिलने वाला है, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी है। तो यहाँ पर देखो ये जो ग्राफ है, ग्राफ मतलब अगेन दो क्वेश्चन, एक है स्लोप का, नहीं तो एरिया का। तो इसका अगर मैं स्लोप फाइंड करने जाऊँ तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, डी आई बाई डी टी आ जाएगा, राइट। एंड स्लोप का और एक फार्मूला होता है, देखो टेन थीटा, ये टेन थीटा का भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एल एल तो कांस्टेंट है, माइनस ऑफ स्लोप ऑफ लाइन है। तो स्लोप ऑफ लाइन पॉजिटिव है तो ईएमएफ नेगेटिव आएगा, स्लोप नेगेटिव है तो ईएमएफ पॉजिटिव आएगा, क्योंकि माइनस है वहाँ पर। अभी देखो जीरो ग्राफ में देखना, जीरो से टी बाई फोर तक ये वाला लाइन है आपका, इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो थीटा है वो थीटा जीरो से टी बाई फोर तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो स्लोप पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, स्लोप पॉजिटिव है मतलब ईएमएफ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो देखो हाँ, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, तो नेगेटिव एंड कांस्टेंट सिर्फ एक ग्राफ में है, दैट इज ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। ऑप्शन डी में भी है बट वो चेंज हो रहा है ना कंटिन्यूसली, तो यहाँ पर नहीं है, राइट। तो यहाँ पर ये आपका आएगा आंसर, ईएमएफ क्या है आपका, कांस्टेंट, डी में ऑप्शन ईएमएफ चेंज हो रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा आगे देखते हैं, टी बाय फोर से लेके टी बाय टू तक देखो, आपका स्लोप क्या है, जीरो है, तो ईएमएफ भी जीरो आएगा, है ना, जीरो टी बाय फोर से टी बाय टू तक। एंड बाद में टी बाय टू से लेके थ्री टी बाय फोर तक क्या है, स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव है मतलब ईएमएफ पॉजिटिव आएगा। तो देखो ऐसे यहाँ पर, राइट, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया हम लोगों ने, बाय यूजिंग बेसिक डेफिनेशन, ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अगर मान लो आपको इसके मॉड का ग्राफ पूछा गया, राइट, कि ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी का ग्राफ बोलो कैसे आएगा, तो ग्राफ ए आएगा, ऑप्शन ए, जो कि अगला क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें हाँ, द करंट इन द इंडक्टेंस इज वेरिंग विद टाइम अकॉर्डिंग टू द प्लॉट। तो अगेन हमें पता है कि E इज इक्वल टू क्या है, एल डी आई बाई डी टी है, माइनस एल डी आई बाई डी टी है। तो यहाँ पर स्लोप क्या आएगा, डी आई बाई डी टी, मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ स्लोप है। अगर तुम लोग इसके साथ सॉल्व करोगे ना, तो आपको आंसर ही नहीं मिलेगा, एक भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, क्योंकि देखो जीरो से टी बाई टू तक स्लोप क्या है, पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव एंड स्लोप पॉजिटिव एंड कॉन्स्टेंट है, तो ई एम एफ क्या आएगा, नेगेटिव एंड कॉन्स्टेंट। तो नेगेटिव एंड कांस्टेंट को किसी ग्राफ में है क्या, नहीं है। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअल में उन्होंने क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, ऐसा बोलना चाहिए था, बोला नहीं है, फिर भी हम लोग मान के चलेंगे दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज है। तो स्लोप देखो, स्लोप पॉजिटिव है तो ईएमएफ क्या आएगा, पॉजिटिव। स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो ये मैप भी नेगेटिव आएगा, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 15, अ थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग पी क्यू आर ऑफ रेडियस आर इज फॉलिंग विथ इट्स वर्टिकल प्लेन इन अ हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द रिंग एंड व्हेन इट इज इट्स स्पीड इज वी। तो ये रिंग इधर जा रहा है विद वेलोसिटी वी, तो ये क्वेश्चन बेस्ड अपॉन मोशनल ईएमएफ है, तो इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट इज डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्या होता है फॉर्मूला, बी एल वी, तो बी एल वी आने वाला है, राइट। ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला, याद रखना। उसके बाद देखो
कि यहाँ पर जो लेंथ है, लेंथ क्या लेंगे, तो जो द एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में हम लोग फाइंड कर रहे हैं ना ईएमएफ, ये दो पॉइंट के बीच का लेंथ आएगा। तो ये क्या है, डायमीटर है ना, तो ये क्या आ जाएगा, बी इंटू टू आर इंटू वी। तो टू आर बी वी तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन। अभी वो आर इज एट हायर पोटेंशियल, ये कैसे पता चला, तो किसका पोटेंशियल ज़्यादा है किसका कम है, इसके लिए आपको वी क्रॉस बी का डायरेक्शन देखना पड़ेगा, राइट। ये डायरेक्शन जो आएगा वो आपका हायर पोटेंशियल होगा। अभी यहाँ पर वी किधर जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बी किधर है, अंदर है, तो वी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बी अंदर मतलब इधर जाएगा, थंब किधर जाएगा, आर की तरफ, तो आर इज एट हायर पोटेंशियल, राइट। चलो मूविंग टुवर्ड डी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पढ़ लेना क्वेश्चन, ऐसे दो तीन क्वेश्चन है आपके पास। हाँ चलो देखते हैं, एक मिनट। चलो क्या दिखा है, अ लॉन्ग सोलेनाइड हैज अ 1000 टर्न्स। इजी क्वेश्चन है बट दो तीन बार पूछा गया है, 2016 का क्वेश्चन है। व्हेन अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोस थ्रू इट, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न ऑफ सोलेनाइड इज 4 × 10⁻³ - 3 वेबर। तो आपको क्या बोला है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न इज 4 × 10⁻³। हमारे पास टोटल टर्न्स कितने हैं, 1000, तो टोटल फ्लक्स लिंक विद द टर्न कितना आएगा, 1000 × 4 × 10⁻³। तो 10⁻³ 1000 चला गया, तो 4 आ गया। अभी वी नो दैट फ्लक्स इज इक्वल टू एल इंटू आई होता है, तो एल का फॉर्मूला क्या आएगा, फ्लक्स डिवाइड बाय करंट, फ्लक्स कितना है 4 एंड करंट कितना है 4, आंसर इज 1, 100, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। समझे ना, राइट, बहुत बढ़िया। बढ़ते आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पढ़ लेना क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। देखो इसके पहले जो था, लॉन्ग सोलेनाइड 500 टर्न्स, करंट 2 एम्पियर है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न है 4 × 10⁻³ - 3 वेबर, सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है, तो फाइ इज इक्वल टू एल इंटू आई, ए फॉर्मूला यूज करो, सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा, सेम है, कोई चेंज यहाँ पर। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 ना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। फॉर अ क्वाइल हैविंग एल इज इक्वल टू 2 mH, करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज आई इज इक्वल टू टी टू द पावर 2 e⁻²-t, देन द टाइम एट विच ई एम एफ बिकम 0 इज। तो आई दिया और बोला क्या है, बोलो कि ई एम एफ 0 कब होगा। ई एम एफ का फॉर्मूला क्या होता है, अभी वो है एल एल डी आई बाई डी टी, मॉड में लोगे तो ये एल को एल ही रखो, एंड डी बाई डी टी ऑफ करंट क्या आपके पास, टी स्क्वेयर इंटू ई टू द पावर माइनस टी। अभी आप यहाँ पे आपको यू इंटू वी का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, क्या है फार्मूला, तो टी स्क्वेयर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर माइनस टी, वो आएगा माइनस ई टू द पावर माइनस टी प्लस ई टू द पावर माइनस टी कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वेयर इज 2t, राइट। तो ये ई एम एफ देखो क्या आ गया, क्या कॉन्स्टेंट आएगा, एल ई टू द पावर माइनस टी इंटू टी कॉन्स्टेंट आएगा, बचेगा क्या यहाँ पर माइनस टी और ये प्लस 2 बचेगा। उसने बोला है कि कब 0 होगा, तो इसको इक्वेट टू 0 करो। तो देखो यहाँ पर कि जब ये टी का वैल्यू 0 होगा, एक तो इसका आंसर आएगा टी इज इक्वल टू 0 को ई एम एफ 0 होगा, नहीं तो जो ब्रैकेट है जैसे 2 माइनस टी इज इक्वल टू ये 0 होगा, मतलब टी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो एक तो 0 को 0 होगा नहीं तो 2 को 0 होगा, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, राइट। टू कॉइल्स हैव अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 0.05 हेनरी, द करंट चेंज, म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया आपको 0.05, तो यम लिख लेता हूँ, 0.005 हेनरी है। द करंट चेंजेस इन फर्स्ट कॉइल अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, फर्स्ट कॉइल के लिए दिया है, मतलब प्राइमरी करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नॉट इज 2 एम्पियर, ओमेगा 100 पाई। चलो इसको फिर लिख ही देते हैं ना उस फॉर्म में, अलग अलग क्यों लिखे, आई 2 sin of 100 pi t, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई एम एफ इन सेकेंड कॉइल इज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो कि आपको क्या दिया है यहाँ पर, करंट इन फर्स्ट कॉइल दिया है, तो करंट इन फर्स्ट कॉइल दिया है, तो हम लोग सेकेंड कॉइल का ई एम एफ निकालना है हमें, कैसे निकालें, तो ई का वैल्यू क्या होता है, देखो यम डी आई बाई डी टी, राइट।
वेयर आई इज़ अ करंट इन प्राइमरी कॉइल, डेफिनेशन तो यही है। तो एम कितना है आपके पास 0.005 इंटू डी बाई डी टी, आई कितना है 2 sin of 100 pi t। तो ये क्या होगा, ई एम एफ इज इक्वल टू ये 5 × 10⁻³ लिखता हूँ, और ये 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस 100 pi t, और 100 pi t का डेरिवेटिव विल बी 100 pi। तो ये ऐसे आ गया 100 pi t। अभी उसने बोला है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, एक मिनट, ये टी कहाँ से आ गया, टी को निकाल दो। हाँ, उसने पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई एम एफ, तो ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए कॉस का वैल्यू तो 1 आएगा ना, तो ई एम एफ का मैक्सिमम वैल्यू विल बी 5 × 10⁻³ इंटू 200 pi। तो 5 × 200 1000, तो ये 1000 चला गया, बचा कितना पाई, अरे पाई आंसर आ रहा है क्या, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 2 mH एंड 8 mH, दो कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस दिया है, आर प्लेस सो क्लोज टूगेदर दैट द इफेक्टिव फ्लक्स इन वन कॉइल इज कम्प्लीटली लिंक विद द अदर कॉइल, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दीज टू कॉइल इज। तो देखो, रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस होता है एम इज इक्वल टू के रूट ऑफ एल वन एल टू। अभी एल वन एल टू सेल्फ इंडक्टेंस तो आपको दिया है 2 and 8, बट के क्या है, के लिए आपको एक हिंट दिया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इन वन कॉइल इज कम्प्लीटली लिंक विद द अदर, मतलब कपलिंग फैक्टर का वैल्यू कितना लेना है 1। तो आएगा अंडर रूट ऑफ 2 mH × 8 mH इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 mH का स्क्वेयर। तो ये 16 का रूट 4 mH² कैंसिल होगा, तो 4 mH आएगा, 4 mH, मतलब ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, समझे। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन पढ़ लेना क्या दिया, और लॉन्ग सोलेनाइड ऑफ डायमीटर 0.81 मीटर हैज़, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मुझे अभी तक का नीट का सबसे थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन लगा, बाकी सारे फार्मूला बेस ही क्वेश्चन है, हालांकि ये भी फार्मूला बेस है बट लेंदी क्वेश्चन है। चलो क्या दिया देखो, अ लॉन्ग सोलेनाइड ऑफ डायामीटर, तो आपके पास एक ऐसा सोलेनाइड है, इसका डायामीटर कितना दिया है देखो, इंस्टेड ऑफ डायामीटर मैं रेडियस लिखता हूँ क्योंकि रेडियस का ज़रूरत होगा, ये आएगा 0.1/2, मतलब 0.05 मीटर हैज़ कितना टर्न्स, 2 × 10⁴ टर्न्स है पर मीटर, तो लेंथ में 1 मीटर मान के चलता हूँ। बाद में एट द सेंटर ऑफ सोलेनाइड अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, तो इसके सेंटर पे हम लोगों ने और एक कॉइल रखा है जिसके कितने टर्न्स है, इसके टर्न्स है 100 एंड इट इज़ कोइंसाइडिंग विद द सोलेनाइड एक्सिस, इसका रेडियस दिया है आपको 0.01 मीटर। द करंट इन सोलेनाइड जो दिया आपका मेन, उसमें जो करंट का रेट है वो क्या दिया है, डेल्टा आई कितना दिया है 4 एम्पियर, 0 to 4 है, एंड टाइम कितना दिया है 0.05 सेकंड। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, ये जो अंदर कॉइल रखा है उसका रेजिस्टेंस अगर 10 π² ohm है, टोटल चार्ज आपसे पूछा गया है। तो देखो टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बाय आर होता है, राइट। बस उसी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, बट दिया क्या है तुम्हें देखो, करंट दिया, तो करंट से आपको निकालना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम लोग, सबसे पहले ईएमएफ निकालेंगे, ईएमएफ के बाद करंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसके बाद चार्ज आ जाएगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, इंड्यूस ईएमएफ जो है, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, अभी एक कॉइल के अंदर और एक कॉइल है, मतलब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, एम डीआई बाई डीटी। अभी ये जो यम है, ये यम ही हमें यहाँ पे निकालना है, इसकी वजह से लेंदी है। तो सबसे पहले हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन वन एन टू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ है, राइट। ओके, तो म्यू नॉट कितना, 4 π× 10⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स पहले कॉइल का 2 × 10⁴, दूसरे कॉइल का
10 टू द पावर 2, एरिया कितना दिया है देखो, पाई दूसरे कॉइल का एरिया आर, आर मतलब 10 टू द पावर माइनस 2 है, माइनस 2 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय लेंथ कितना दिया, वो तो 1 है। तो इसको सॉल्व करें, 4 इंटू 2 इज 8, 8 पाई स्क्वेयर और कुछ है क्या, इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस 4 प्लस 2 माइनस 4, तो ये 4 कैंसिल हो गया, माइनस 7 प्लस 2 कितना, ये आएगा 8 पाई स्क्वेयर इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अच्छा पाई स्क्वेयर को भी 10 ले सकते हैं हम लोग, तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 आएगा, ये m का वैल्यू है। उसके बाद हम लोग EMF निकाल सकते हैं, वो क्या आ जाएगा, m d phi by d, m di by dt है, तो m कितना है तुम्हारे पास, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, di by dt देखो 4 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 है, मतलब ये क्या आ जाएगा, 8 इंटू 4 इज 32, e इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 आएगा, मतलब ये क्या होगा, 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 वोल्ट है। अभी ये क्या आ गया आपके पास, EMF आ गया, तो EMF का यूज़ करके हम लोग करंट निकाल सकते हैं, करंट कितना आ जाएगा, E डिवाइड बाय R, तो E कितना है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय R, देखो एक बार R रेडियस R, हाँ ये 10 पाई स्क्वायर, अच्छा ये पाई को कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं थी, ओके क्योंकि वो कैंसिल होने वाला था आगे, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्या आएगा, 6.4 इंटू पाई स्क्वायर मतलब 10, 10 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस 2, 10 का पावर माइनस 2 एम्पियर आएगा, तो अभी I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, डेल्टा क्यू पूछा है, तो ये क्या आएगा, I इंटू डेल्टा टी, तो I कितना दिया है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, डेल्टा टी कितना है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो ये 6.4 इंटू 5 कितना आएगा रे, 6.4 इंटू 5 इज 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, तो देखते हैं 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम है क्या, तो ऑप्शन डी 32 माइक्रो कूलम है ना, थोड़ा सा लेंदी, पहले बोला था कि ये लेंदी क्वेश्चन है, आपको यम का फॉर्मूला पता होना चाहिए तो ही आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ इंडक्टर कॉइल एल इज इक्वल टू 0.04 हेनरी, वर्क डन टू एस्टेब्लिश अ करंट। अब इसके बाद जो दो क्वेश्चन है ना, दोनों भी मैग्नेटिक एनर्जी के हैं, मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है देखो, E इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वेयर, हाफ एल कितना दिया आपको, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, आई कितना दिया 5, 5 का स्क्वायर 25, तो ये 25 इंटू 4 इज 100 चला गया, तो बचा क्या 0.5 जूल, तो 0.5 जूल मतलब ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, सही है। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर इज 25 मिली जूल, तो देखो अगेन इस यहाँ पर आपको यही फार्मूला यूज करना है, हाफ या लाई स्क्वायर, ये क्या है 25 मिली जूल है, मतलब 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 1 बाई 2, एल कितना है 6, अच्छा एल ढूंढना है आपको, तो एल ढूंढना है तो एल को एल ही रखेंगे, करंट कितना दिया है 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वेयर, तो ये क्या आ जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और ये दो बार 60 आएगा क्योंकि स्क्वेयर हो रहा है, इज इक्वल टू करंट का नहीं, यल इज इक्वल टू यल, यल ढूंढना है ना, तो ये क्या होगा यहाँ पर, क्या क्या कैंसिल होगा देखो, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यल इज इक्वल टू ऊपर 5 नीचे 36, ये जीरो तो चला गया, नीचे 10 टू द पावर माइनस 5 है, ऊपर गया तो 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस 5, मतलब क्या होगा 500 डिवाइड बाई 36, अरे बाप रे ऐसा आएगा क्या कोई ऑप्शन, 13 पॉइंट है क्या कुछ, हाँ है ना 13.89, तो ये ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज, अभी ये तो एडी करंट का एप्लीकेशन है, कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर यूज़ करते हैं, इंडक्शन फर्नेस के अंदर यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक ब्रेकिंग के अंदर भी यूज़ करते हैं, पढ़ लेना एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, सिर्फ इलेक्ट्रिक हीटर है उसके अंदर हम लोग यूज़ नहीं करते, इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर हम लोग जूल्स इफेक्ट का यूज़ करते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट का यूज़ करते हैं, राइट।
तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, रिसेंटली पूछा है 2019 में, राइट। तो ये थे कुछ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे पूरा पैटर्न कैसे दिखाई दिया आपको, देखो पहला क्वेश्चन था मैग्नेटिक फ्लक्स का, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सारे के सारे क्वेश्चन किसके ऊपर थे, सिर्फ एंड सिर्फ एक ही लॉ के ऊपर, दैट इज फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ, राइट, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ। तो उसके अंदर भी क्या था, देखो फॉर्मूला क्या याद रखना, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, बाद में I इज इक्वल टू E बाय आर, मतलब माइनस वन बाय आर डी फाई बाई डी टी, एंड चार्ज के ऊपर ही तीन चार क्वेश्चन थे, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय आर, राइट, बस इतने। फाई क्या होता है, एन बी ए कॉस ओमेगा टी और कॉस थीटा होता है, राइट। उसके बाद जब ये तुम लोग कॉस थीटा ओमेगा जो थीटा है, जब वो थीटा लिखोगे ना, थोड़ा सा वहाँ पे प्रिकॉशन लेना, जल्दबाजी में तुम लोग क्या करोगे, थीटा का वैल्यू गलत लोगे, क्योंकि जनरली वहाँ पे अगर परपेंडिकुलर दिए तो थीटा का हम लोग वैल्यू जीरो डिग्री लेते हैं, क्यों, क्योंकि फार्मूला फाई का फार्मूला क्या है, बी ए कॉस थीटा, एंड ए होता है एरिया वेक्टर हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। तो वहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना कि परपेंडिकुलर क्या परपेंडिकुलर दिया है, प्लेन परपेंडिकुलर दिया है या और कुछ दिया है, उसके हिसाब से थीटा का वैल्यू चेंज होगा, वहाँ पे यही गलती हो सकती है। बाद में उसमें भी एक क्वेश्चन था, देखो तीन बार क्वेश्चन पूछा गया कि रेडियस श्रिंक हो रहा है तो बोलो इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा, वो थोड़ा सा डेरिवेटिव वाला पार्ट नीट वाले लोग अच्छे से देख लेना, तुम्हारे लिए थोड़ा सा डेरिवेशन थोड़ा टफ जाएगा। बाद में हम लोगों ने देखा कि हाँ सेल्फ इंडक्टेंस के दो तीन क्वेश्चन थे, फाइ इज इक्वल टू एल इन टू आई, सिंपल बेसिक फार्मूला। बाद में म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर एक ही क्वेश्चन है अभी तक, कपलिंग फैक्टर के ऊपर एक ही क्वेश्चन है, एंड लास्ट में देखा कि मैग्नेटिक एनर्जी, उसके ऊपर दो क्वेश्चन थे, राइट। तो आप लोग ये सबका अच्छे से नोट बना लेना, राइट। बस करते हैं आज के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।